सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी, रखाई को हमारा सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी, रखाई को सगल घटा अंतर जामी, सगल घटा अंतर जामी, रखाई
तार सुख बसे बाहर सुख पाया, तार सुख बसे बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र गिराया, कहो नानक गुरु मंत्र शब्द गायन कीता। इस दा सिरलेख है पैरों मैला पंजवा। पैरों राग विच गुरु अर्जन पातशाह दा शब्द है। जदों असी अपने जीवन विच रब जी नूं गैर हाजिर समझदे हां तां सब तो पहली गल साडे नाल वापरदी है डर। सानू फीयर सतांदा है, साडे वास्ते जम रूप एक डर शुरू हो जाता है। कदों जदों मैं रब नू अपने जीवन विच गैर हाजिर कीता, एबसेंट कीता, रब जी नू दूर समझे, और जदों मैनू डर लगना शुरू होया तो डर दे नाल नाल मैनू चिंता लगनी शुरू हो गई। डर हो गया
जे मेरे पुत्र दे घर अगो पुत्र ना होया तो साडा वंश किवें चलेगा। डर हो गया कि जे अगो पुत्र हो गया वो पढ़ाई एडमिशन स्कूल ना मिली तो की करेगा, जे वो पढ़ गया तो कॉलेज एडमिशन ना मिली तो की होएगा, जे मेरे पुत्र दे घर पुत्र हो गया वो कॉलेज ही पढ़ गया जे उन्हें जॉब ना मिली वो की करेगा, फिर जो उसका ब्याह ना होया फिर की करेगा। इस तरह अगली अगली किसी भी गल की चिंता शुरू हो जाती है। कारण की बनिया, मैं रब जी नूं गैर हाजिर समझिया और मैनू चिंता शुरू हो गई। चिंता फिकर शुरू हो जाती है, मनुख अपने मन दे ख्याली पुलाव बना के उन्हां तों डरदा रहिंदा है, ऐ ना कीता ते इंज हो जाएगा, इंज ना होया ते फिर उंज हो जाएगा। असी अजमा के देख सकते हैं जिस दिन साडा पति या साडा बच्चा रात नू घर लेट आए सानू चंगे ख्याल नहीं आते, कदे भी ये ख्याल नहीं आता भी शायद गुरुद्वारे गया होएगा, कदे ख्याल नहीं आता हो सकता गुरुद्वारे सेवा कर रहा होएगा, कदे ख्याल नहीं आता भी कितने कोई सत्संग कर रहा होएगा, हमेशा मन अंदर बुरा ख्याल आएगा, बुरा ख्याल चिंता पैदा करता है। और 99.9% होंदा की है, जो असी भैड़ा सोचा होंदा वो होंदा नहीं। चिंता अपने आप ही एक गलत सोचा होया ढंग और उस दे नाल अपने आप नूं चिता उत्ते साड़ी जाना, मरण तो पहला मर जाना, पल पल मरदे रहना ते दुखी रहना। सत्संग जी असी सारे इस गल नूं समझदे भी हाँ, फिर भी सानूं चिंता सतांदी। और ये वाली चिंता मनु ये सोचन ही नहीं देंदी कि कारण की है। ये चिंता सोचन नहीं देंदी कि कारण है की है। ते चिंता नाल रहना मनु बड़ा पसंद आ जाता है। चिंता विच रह के मनुख एक दूजे दे नाल प्यार नाल गल नहीं करता। फर्ज करो बच्चा लेट आया तो पत्नी भी बच्चे की माँ दुखी है, पर पति बच्चे का प्यो उसनू कहिंदा तू विगाड़िया, तेरे कारण लेट आया, ऐ हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी दुखी है। लेकिन इन्हां दोवां दी हुण आपस विच नहीं बन रही। फिर चलिए एक रब नू की विसारे अपने जीवन चो, एक रब नू आउट की कीता कि एक डर रूपी जम आ गया, डर दे नाल चिंता आ गई, चिंता दे नाल माड़े माड़े ख्याल आने शुरू हो गए और झूर के मरण वाली पल पल दी अवस्था बन गई। हुण की हो गया, हुण असी आपस विच ढंग नाल नहीं बोलते। बच्चियां नूं स्कूल विच एग्जाम दी चिंता हो जाती है, कई बच्चियां नूं लूज मोशन हो जाते हैं। जदों असीं स्कूल कॉलेज विच सैमीनार करदे हां तां उत्थे पता लगदा, एक बच्ची कहिंदी मैं डाक्टरी पढ़दी पई हाँ, जे मेरा डाक्टरी दा पूरा एग्जाम होके डिग्री मैनूं ना मिली तां मेरा जिथे रिश्ता होया रिश्ता टुट जाएगा। की है चिंता। जो भी इंसान चिंता करता है उसका कारण असी लभ्या कि वह पहला डरिया फिर चिंता शुरू हुई, और जिस जो डरिया उसने रब जी नू अपने जीवन चो विसारिया, रब जी नू नेड़े नहीं समझिया। हुण देखो इहदे नाल किस तरह आस्ता आस्ता कितना कुछ नुकसान होता जाता है। गुरु पातशाह कहिंदे ने तू यह समझ राखा एक हमारा स्वामी, मेरा रब जी है वो मेरा रखवाला है, रब जी रखवाला है
इंज रखवाला नहीं है कि मैं कुदरत दे नियम तोड़ दें और रब जी बचा लें। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, रब जी दे नियम तो बाहर कुछ नहीं होता। करामात सानू बिलीव नहीं करना, करामात ब्लैक मैजिक लकी 7-13 या हाथों दियाँ लकीरां या नीले काले पत्थर या सोमवार बुधवार चंगे हैं के मंदे हैं, इन्हां सारियां गल्लां ते सानू यकीन नहीं रखना। रब जी नू हाजर नाजर समझन वास्ते मैनू रब जी सत्तवें आसमान ते उपर किधरे रहिंदे नहीं समझना। ओ उपर रहिंदे ने, मैनू समझ ही नहीं आती कि मेरे रखवाले किवें ने। बाणी कहती है राखा एक हमारा स्वामी। दरअसल बाणी कहती है जो तू रब नू उपर समझदा है ना, वो उपर नहीं है, वो तेरे अंदर है। अंदर दे रब नू समझ, हाजर प्रेजेंट। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सुपावे। गुरु पातशाह कहंदे ने राखा एक हमारा स्वामी। हुण जिहड़ा रब मैं अपने अंदर देखना सीख लिया, वह मैनू दूजियां च भी देखना आ जाए। सगल कटाका अंतरजामी हर किसी के अंदर रहता है और हर किसी के दिल की जानता है। किसी ने मैं पूछा रब जी अंतरजामी किवें ने, मैं कहा रब जी तेरे अंदर रहते ने। तू दुनिया जिथे भी जाता है रब जी को पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा अंदर का ख्याल है वह मैनू पता है, मेरे अंदर चंगा ख्याल आ रहा है कि मेरे अंदर मंदा ख्याल आ रहा। मैं किसी बंदे नू हाथ मिला रहा पर अंदरों नू नफरत करदा, मेरे अंदर वाले रब जी नू पता लग जाता। मीनस मैनू पता लग जाता है और मैं जिथे भी जाता वा मेरे चंगे या मंदे ख्याल मेरे नाल जाते ने। और ए ही मेरा रब मेरे नाल है और अंतरजामी है। जे मनु चंगा ख्याल आएगा ता डर और चिंता नहीं आएगी, जे चंगा ख्याल नहीं आएगा तो डर चिंता आएगी। सो सतसंग जी, असी ना अज दे शब्द चों दो तीन गल्लां सीखियां कि रब जी नू हाजर समझना है ताकि डर ना लगे, रब जी नू अपने अंदर अपने नाल समझना है, गुरु मेरे संग सदा है नाले समझना। जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई समझना, मैं जिथे जावा गुरु मेरे नाल है। असी अपने आप नूं कल्या नहीं समझना। जदों मैं अपने अंदर रब जी देखना सीख गया ना, मनु मेरी पत्नी विच, मेरे पति विच, मेरे माँ प्यो विच, मेरे बच्चियां च, सारिया विच रब नज़र आना शुरू हो जाएगा। पर मैं अपने अंदर ही नहीं देख सकता तो दूजे के अंदर किवें देखांगा। जदों मैं दूजे के अंदर देखना नहीं आता तो मैं उन्होंने मिसबिहेव करांगा, उन्होंने वर्तारा ठीक नहीं करांगा। जदों कभी भी पति या पत्नी का झगड़ा होता है, उन्होंने उहदे चों रब नज़र नहीं आता ता ही झगड़ा शुरू होता है। पर जो रब मेरे अंदर है वह मैं मेरी पत्नी नज़र आए, मेरे माँ प्यो नज़र आए, सास नू अपनी नूँ च नज़र आए, नूँ नू अपनी सास च नज़र आए, तो फिर झगड़ा मुक्का। गुरु पातशाह कहंदे ने राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटाका अंतरजामी हर घट विच वसदा है, हर किसी दे अंदर वसदा है और वो अंतरजामी है, उहदे दिल दी जानदा है। इहदा मतलब मनु बहुत सिंसीयरली यह सोचना पेगा ईमानदारी नाल कि जे मैं रब नू अपने अंदर अपने नाल समझदा और किसी बारे भैड़ा ख्याल बनांदा तो रब जी अंतरजामी ने उन्होंने पता लग जाएगा। इहदा मतलब उन्होंने भैड़ा ख्याल छड्डना है। भैड़ा ख्याल नफरत पैदा करेगा, भैड़ा ख्याल एक दूजे दे नाल फ्रिक्शन पैदा करेगा, भैड़ा ख्याल
डर और दूरी पैदा करेगा, चिंता पैदा करेगा। जे एक बारी सीख लिया के राम जी मेरे नाल ने, तब पहले पदे च कहंदे ने उठत सुखिया बैठत सुखिया। असी उठदिया बैठदिया सुखी हो जा, भाव नहीं लग गए फिर डर नहीं लगता। जा ऐसे बुझिया, जिस बंदे नू डर नहीं ना लगता ओदी चिंता चली जाती है। सोए अचिंता जाग अचिंता, वो सोंदा उठता अचिंत हो जाता, क्योंकि उन्हें अचिंत होने वाले रब जी समझ आ गए ने। तुरकी बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई, उन्हें सतगुर की बाणी का पल्ला फड़िया और उन्हें पता लगा बाणी मन सिखा रही है डरिया ना कर, नानक चिंता मत करो चिंता तिसिए। वो फिर की हो जाता है, उसका एटीट्यूड बन जाता है, जे ये काम नहीं होया तो सो वट कोई गल नहीं। कई आंदा मेरी प्रमोशन नहीं हुई, कई आंदा मेरी तनखाह जे ना मिली, कई आंदा साडा जे मकान ना बनिया, कई आंदा जे बच्चे का रिश्ता ना मिलिया, नहीं मिलिया तो ना सी कोई गल नहीं। बस ये जरा कोई गल नहीं दा मन तो भार उठ जाता है ना, चिंता खत्म हो जाती है। गुरु पातशाह कहते हैं सोए चिंता जाग चिंता, जहां कहां प्रभ तू वर्तनता, सब जगह रब जी हाजर नाजर समझ आने शुरू हो जाता है, डर चला जाता है। फिर अपने अंदर सुख महसूस होना शुरू हो जाता है, घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। बंदा अपने जिहड़ा साडा आम तौर पर दुनियावी घर है उत्थे भी सुखी रहिंदा, बाहर भी सुखी रहिंदा। लेकिन घर सुख वसिया दा मायना ये भी है वो अंदरों सुखी हो जाता है। जो इंसान अंदरों दुखी है ना वो जिथे जाएगा उत्थे दुखी रहेगा। जिहड़ा अंदरों भैड़ा है वो भैड़े ख्याल ही सोचेगा, ढेंदियां गलां वाले ख्याल सोचेगा। आम कहावत है जिहड़े लाहौर भैड़े वह पिछौर भी भैड़े, वो जिथे जाएगा भैड़ ही सोचेगा, वो जिथे जाएगा वो कोई ना कोई नुकता लभ लेगा अपने आप नूं दुखी करन दा। आम देखन नूं मिलता है, पहला मैं सोचता सी कि उन्होंने मैनू विआह ते बुलाया नहीं, फिर मैं इस गल ते नाराज रहिंदा सी दुखी दुखी रहिंदा सी, फिर जे उन्होंने बुलाया ते आप कार्ड देन नहीं आए फिर मैं इस गल ते दुखी रहिंदा, फिर जो आप कार्ड देन आए ते मनु मठियाई नहीं दे गए फलाने नू ते नाल 501 रुपया भी दे गए ने फिर मैं इस गल ते दुखी रहिंदा, पर जे मनु 501 भी दे जान कार्ड भी आप आके दे जान फिर मनु ऐ हुंदा है कि मेरे पूरे टब्बर नू नहीं बुलाया। फिर जे मैं सब कुछ टब्बर नू ही बुलाया तां उत्थे जाण तों बाद फिर मैं ला लभदा लो जी सानू तो पुछया ही नहीं, रोटी नहीं पुछी, जे रोटी पुछ ली लो सानू कॉफ़ी नहीं मिली तो कुल्फी नहीं मिली। सत्संग जी मैं ना छोटे छोटे एग्जाम्पल बना रहा, इस तरह साड़ी घरां दे विचकार साड़ी पत्नी नाल आटा गुंदी हिलदी क्यों है, निक्की निक्की गल ते ये सारे झगड़े होंदे ने, क्योंकि अंदरों असी सुखी ही नहीं हाँ। जिसका अंदर सुखी हो जाएगा ना वो इस तरह ना निक्की 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 गल का मुथाज होकर अपसैट नहीं होएगा। गुरु पातशाह कहते हैं घर सुख वसिया अंदरों वो सुखी हो जाता है, बाहर सुख पाया वो बाहरों भी सुखी हो जाता है। कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, गुरु साहब ने यह मंत्र दृढ़ाया है कि रब तेरे नाल है, तू अंदरों बाहरों सुखी होना है, तू डर चिंता फिक्र लाना है। सत्संग जी ये मंत्र है, मंत्र एक लफज नूं रटन करना मंत्र नहीं होंदा, माला फेरन दा मंत्र नहीं होंदा। मंत्र मीन्स ओ वाली गल समझ आ जानी और उसनूं हमेशा याद रखना, रब नूं हाजर नाजर करा दिता। जो इंसान रब जी नूं हाजर नाजर समझ लैंदा वो तीर्थां ते नहीं जांदा।
वो कदे सुखना नहीं सुखदा, रब जे मेरे घर पुत्र करेगा या ए वाली मेरी मन की मर्जी मनेगा तो मैं फलाने तीरथ ते जाके चोला चढ़ावांगी, नहीं वो इस तरह नहीं सुखना सुख, फलानी जगह जाके संगमरमर लगावांगे, पड़ी लगावांगे, कमरा बनवा देंगे, ऐसे ख्याल वो नहीं करता। गिमिक्स वाले, गिव एंड टेक वाले, शर्त लगाण वाले काम वो नहीं करता। वो तीरथ ते जांदा ही नहीं, क्यों? उहां तो जाइए जो इं ना होए उन्हों इत रब नज़र आ जाता है, वो अंदरों सुखी हो गया है, उन्हें मंत्र समझ लिया है कि रब सब जगह है, मेरे अंदर है, मेरे आस पास वालिया च है। जो आस पास वालिया च है मनु किसी को डरना नहीं है, मनु किसी को डराना नहीं है। जो असी आस पास वालों डराते हाँ तो सानू फिक्र होंदा उहदे नाल मैं भैड़ किया वह भी मेरे नाल करेगा। मैं एक आम कहावत सुनी है कि एक बड़ा कमज़ोर जिहा बंदा एक ताकतवर बंदे दे उपर बैठा होया, उहनू मारी भी जाए, थप्पड़ भी मारी जाए, गालां भी कढ़ी जाए और उच्चा उच्चा बोले हाए बचा लो, हाए बचा लो, हाए बचा लो। लोग आए, लोगों ने पूछा भी एक तो तुसी इहदे उत्ते बैठे हुए हो, दूजा तुसी इहनू मार रहे हो, तीजा तुसी कह रहे हो हाए बचा लो, हाए बचा लो। कहिंदा इह ताकतवर है, हुणे जदों इह उठेगा तो मारेगा ना मैनू। डर भी है, चिंता भी है। जदों असी किसी दूजे नूं डराउंदे हाँ तो उहदी निशानी है कि मैं अंदरों डरिया होया, और जे डरिया तो मैनू चिंता भी सताएगी। डर, चिंता, फिकर, एक दूजे नूं डराउण दा तरीका, यह सारा कुछ खत्म हो जाता है जदों अंदर रब जी नूं समझना शुरू करिए। घट घट मैं हरजू बसया समझना शुरू करिए और अपना डर लाण वास्ते रब नूं हमेशा अपने नाल समझिए। इस करके असी गुरबाणी राही रब जी नूं हाज़र नाज़र समझते हाँ और हाज़र नाज़र समझ के समझते हाँ कि रब मेरे अंदर रहिंदा है। जदों ये फीलिंग आ जाती है सानू अंदरों ते बाहरों सुखी हो जाते हैं।